तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे मनाली से तवांग तक का सफर। इस दौरान हम सेला पास होते हुए निकलेंगे। सेला पास इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 3000 प्लस फीट, और यहाँ पे साल भर द माउंटेन पिक्स आर कवर्ड इन स्नो। सो लेट्स सी, चलिए आज के सफर में जुड़ते हैं आगे के लिए। टेंगा से हम अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है। तो ये नज़ारे थॉट के शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, तो हमें अभी पता चल जाता है ना नीचे उतर रहे हैं कि ऊपर चढ़ रहे हैं। टॉप पे थे, टॉप से थे नीचे के, क्योंकि वैली की तरफ तो है। फ्रेंड्स, अभी हम दिरांग से कुछ 40 किलोमीटर दूर हैं, इस लूप ब्रेक के लिए रुके हैं। लाइक बॉमडेला पास से हम क्रॉस करके ऊपर से अभी नीचे आ रहे हैं घाटी की तरफ। सो दिरांग इज अ वैली। देखिए दोस्तों, इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ के घर कुछ इस तरह के दिखते हैं। दिरांग क्रॉस कर लिया है, नाउ वी आर टूवर्ड्स तवांग। सो बिफोर रीचिंग तवांग विल स्टॉप एट सेला पास। वहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे। फ्रॉम हियर इट्स लाइक 50 किलोमीटर। तो नज़ारे देखें दोबारा से, हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ना है। सेला इज दी हाईएस्ट पीक अपेरेंटली दिस रीजन। नज़ारा एकदम मनमोहक, ऐसे लगता है जैसे कि ज़िंदगी ठहर गई है यहाँ पे। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। सामने घरों को देखे दोस्तों पहाड़ के ऊपर, उनकी ज़िंदगी कितने खुश हैं ये लोग अपनी ज़िंदगी में। शहर के भाग दौड़ से उलट बॉर्डर एरिया है, तो मिलिट्री आउटपोस्ट जगह जगह पे सलूट है इनके जज्बे को। अरे फौजी भाई अपने घरों से दूर रह के हम सब की हिफाजत करते हैं। बीच में कुछ जगह थे जिस पे जहाँ पे तंग रास्ते थे दिरांग टाउन के अंदर, दोबारा से 2 लेन टाइप हो गया है, कम्फर्टेबल है। ओवरऑल अभी तक का रोड का जो कंडीशन है वह अच्छा ही मिला, काफ़ी अच्छा है। मस्त
बरसात होगी लग रहा है, जिस तरफ से बादल दिख रहे थे सामने बरसात के बीच से निकलना है। अभी तक हम तेजपुर से निकले थे तो यहाँ बरसात नहीं थी, अभी यहाँ पे बरसात जो है स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इस तरह के फूल पुराने बने, टू सेला पास वी सॉ दिस न्यूक मदोंग वार मेमोरियल। हमने सोचा क्यों ना देखा है एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बादल। सेला पास तवांग के लिए हमें यहाँ से सीधे जाना है। थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आगे मिलते हैं सेला पास। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे ऐसा लग रहा था मानो हम बादलों के शहर में घुसते जा रहे हैं। चारों तरफ धुंध कोहरा और ये बादल हमारे सामने, एक अद्भुत नज़ारा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, सेला पास इज लाइक 20-25 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों नज़ारे, पूरा बादल आ चुका है। अमेजिंग अमेजिंग।
एकदम फॉग हो जाएगा, फॉग हो जाएगा बेटा, अभी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। बंद करूँगा ना तो एकदम वो अंदर फॉग जम जाएगा पूरा। दोस्तों ये सेला पास टॉप पे आ चुका है, सेला टॉप। विंटर के टाइम पे ये लेक जो है, जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा जम जाता है। चलिए आगे चलते हैं तवांग की ओर। सो दोस्तों आई थिंक दिस इज सेला लेक।
लुक एट द क्लाउड, पूरे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, विजिबिलिटी बस ऑलमोस्ट जीरो। सामने दिख नहीं रहा है क्या? व्हाइट व्हाइट से जो दिख रहा है स्नो देखा है? सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने लास्ट स्ट्रेच पे हैं टू तवांग टाउन। सो वी हैव टू ड्राइव फॉर अनदर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours टू रीच द होम स्टे वेयर वी स्टेड इन तवांग। चलिए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। और दोस्तों, जैसे जैसे हम तवांग की ओर पहुंच रहे थे, यहाँ के जो विलेज के नज़ारे हैं वो भी काफ़ी मनमोहक हैं। मौसम तो खैर काफ़ी ठंड थी, सो वी कैरिड वार्म क्लोथ्स अलोंग विद। चलिए अभी बस पहुंचने वाले हैं अपने होम स्टे की तरफ, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। So friends, this is the homestay we are staying, Donrup homestay. Beautiful, nice, and जो लोग हैं वो भी बड़े प्यारे हैं। बादल ही बादल हैं। विंटर पे कहते हैं यहाँ पे 3 feet तक स्नो जो है जमा हो जाता है। देखिए थोड़े से जस्ट इसके पीछे का नज़ारा देखिए दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर। अद्भुत नज़ारे। ये तवांग टाउन है।